फाटी पगरा भया जागी जिया जून सबका हो उदेत है वो चौंत समाना चून। सभी प्राणियों का जितने भी ब्रह्मांडों के अंदर जितने प्राणी हैं सबका वो परमात्मा पालन करता है और सभी की उसको चिंता है, क्योंकि माँ के गर्भ में जब ये बालक होता है उस समय ना माता सहाय कर सकती है ना को पिता का सहयोग वहाँ काम कर सकता है, तो वहाँ पालन कौन करता आपका, वहाँ आपका सुरक्षा करने वाला कौन था। तो वहाँ भी उस परमेश्वर ने ही आपकी सुरक्षा की, आपका पोषण किया, जे जुगाड़ कुछ भी जोड़ा उसने, कोई तरीका बनाया, माँ की नाभि से आपकी नाभि जोड़ दी और आपका शरीर पुष्ट हुआ और माँ के गर्भ में आप बहुत दुखी होते हो, ऊपर को पैर होते हैं नीचे को सिर होता है और बाहर आके आप भगवान भूल जाते हो। कबीर साहब कहते हैं दुख में सुमरण सब करें सुख मुकर ना कोए, जय सुख में सुमरण करो तो दुख कहे को होए। परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तुम पर आपत्ति आ जाती है तब तो भगवान दिखाई देता है और जब तक तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार ठीक होते हैं आपके पुण्य चलते हैं और आप अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। वैसे तो यहां सुख है नहीं, हम झूठे सुख को ही सुख मान बैठे। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, जो सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। फिर भी जब तक हम सुखी महसूस करते हैं तो भगवान से कोसों दूर रहते हैं और भगवान की पूजा कैसी करते हैं, महीने दो महीने छह महीने में कभी इष्ट धाम पर मत्था टेक आए, शुक्रवार मंगलवार को प्रसाद बांट दिया, किसी दिन व्रत रख लिया और अधिक लोग वर्तमान में तो नास्तिक ही हो चुके हैं क्योंकि समय पर टोक मिल रहा है, अच्छी व्यवस्था होगी है, शिक्षा होगी है, अच्छी पोस्ट होगी है, खूब परमात्मा ने बुद्धि दे दी अपने बच्चों को, इन्होंने ट्यूबवेल लगा लिए हैं, नहरें अच्छी बना ली हैं, बढ़िया आहार समय पर मिलने लगा, अब भगवान से कोसों दूर हो गए। और भूल गए उन दुखों को। परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे जो भगवान ते दूर करे। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय ते जावे और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रिटावे। पुराने समय में हमारे पूर्वज बताया करते थे बुजुर्ग के वर्षा ना होती थी, भगवान को याद किया करते थे, कोई भी दुख आता था भगवान को बैठकर याद करते थे, हमारी आपदाएं टला करती थी। और अब भगवान सौ सौ कोस दूर हो गया, अब तो बिजली याद रहती है, बिजली ना ही ट्यूबवेल चलाऊं वो भगवान याद नहीं आता। तो परमात्मा कहते इस सुख बाढ़ में पड़ो जिससे भगवान की भूल बढ़े। तो सत्संग माने से फिर हमें याद होता है कि भगवान की कितनी आवश्यकता है। तो सत्संग माने से फिर सुखी भी भगवान की भक्ति करेंगे। यदि दुखी व्यक्ति भक्ति करते हैं तो सुख देता है परमात्मा, उसका गुण है, और यदि सुख में ही भक्ति करते रहें तो दुख है ना हो। और मूल काम मनुष्य जीवन का भक्ति ही करना था, वो हम भूल चुके थे। तो इसका ज्ञान संत और परमात्मा ही दिलाते हैं, सतगुरु दिलाते हैं, सतगुरु का बहुत अभाव हो गया और सत्संग सुन सुन कर इंसान बहरे हो गए, ये नकली संतों के अटपट खट, इन्होंने कोई बात का पता नहीं, कोई कख इनको पास नहीं, श्रद्धालु उनके ऊपर ड्योट होकर के समर्पित होकर के अपना जीवन नाश कर गए, इतना बिगाड़ दिया धार्मिक इस मार्ग को, अब सेट करना दास के लिए कितना कठिन हो रहा है।
इतने टीवी चैनल चलते हैं, सब पर कोरी बकवाद घड़ी जाती है इन संतों के द्वारा, कख भी पता नहीं, और सब सुन सुन कर बहरे हो लिए और उनको फाइनल मान चुके। तो इसका अब धीरे धीरे निवारण होगा इस संकट का, और सभी शिक्षित हैं। देख रहा दास के इतना विपरीत मार्ग है समाज के और पूर्व ज्ञान के, और उसके बाद भी कितनी सफलता मिली है, क्योंकि इसमें सत्यता घनी है और सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। वो अपना स्थान बनाया करती है लेकिन उसकी स्पीड स्लो होती है, भले ही धीरे धीरे चलेगा लेकिन ये सफल होगा। एक दिन पूरा विश्व इस ज्ञान को और इस भगवान को स्वीकार करेगा और उद्धार होगा, सुखी होंगे। गुरुदेव की जय। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखे चोवा जाऊं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए वे स्वयं ही आते हैं अपने सतलोक से चलकर आते हैं, और वो गुरु की भूमिका निभाते हैं। क्योंकि यदि पृथ्वी पर गुरु होते तो परमात्मा को आने की आवश्यकता नहीं थी। पृथ्वी पर गुरु नहीं थे, ये लिटिल नॉलेज वाले गुरु थे, नीम हकीम थे। इन्होंने न तो अपने सदग्रंथों को समझा, इनके पास वो साधना भी नहीं थी जिससे ये कोई अनुभव ठीक कर सके परमात्मा के विषय में। इसलिए गुरु रूप में परमात्मा स्वयं ही आते हैं और वो अपनी महिमा भी बताने की चेष्टा करते हैं कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन वो हमारे गले नहीं उतरती, क्योंकि हमने जो ज्ञान सुना होता है वो अज्ञान होता है। हम परमात्मा को निराकार मान बैठे होते हैं, और जिससे भी हम सुनते हैं या कोई उन ऋषि महर्षियों के अनुभव को हम पढ़ते थे, तो सभी ने अंत में एक निष्कर्ष दे रखा था कि परमात्मा तो निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता, केवल परमात्मा का प्रकाश ही हम देख सकते हैं। तो विद्यार्थी की इतनी अकल नहीं होती, इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि वो टीचर के व्याख्यान पर कुछ टिप्पणी कर सके। यानी श्रोता जो होते हैं वो जिनको गुरु मान बैठे हैं उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों पर वो अविश्वास कभी नहीं करते, ये स्वभाव होता है, और अविश्वास करने का उनके पास कोई पैमाना भी नहीं होता जिससे वो ये कह सकें कि नहीं गुरुजी आप ऐसे नहीं, ऐसा हमने पढ़ा है। तो जिस कारण से परमात्मा ने अपने आप को एक गुरु सतगुरु के रूप में ही अधिक पेश किया, यदि गुरु होते तो वो गुरु रूप में आए परमात्मा ही होते हैं। तो यहां परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद जो मिलाए। यानी गुरु रूप में परमात्मा ही हो सकते हैं, और बाकी जो गुरु हैं वो तो अलग बात है,
कोई मोटरसाइकिल चलाना सिखा देता वो उसका गुरु हो गया, कोई गाड़ी चलाना सिखा देता उसका गुरु हो गया, माताएं अपने बेटियों को रोटी पोना सिखा दी वह उनकी गुरु होगी। तो ये गुरु अलग हैं, और अध्यात्म जो गुरु है रियल में हमारा वो गुरु है। तो अध्यात्म ज्ञान यहाँ नहीं था, और जो सदग्रंथ थे उनको हमारे गुरु गुरु जो बने हुए थे या नकली वो समझ नहीं सके, इसलिए परमात्मा स्वयं आते हैं। और फिर वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना चिन्ह गोविंद यो मिलाए। तो वो कहते हैं गुरु को गोविंद को छोड़कर हम गुरु को ही महत्व देंगे। तो गुरु परमात्मा ही हो सकते हैं, बाकी गुरु सभी अपने अपने सत्र के हैं, वो उनका अलग काम है। और जो अध्यात्म मार्ग में ज्ञान दे रहे हैं वो गुरु हैं ही नहीं, वो तो नकली हैं सारे। क्योंकि परमात्मा जो ज्ञान देता है, परमात्मा ने ज्ञान दिया वेदों का, परमात्मा ने ज्ञान दिया गीता का, यानी गीता में जो ज्ञान है वो परमात्मा वाला ही है जो परमेश्वर ने इस ब्रह्म के अंदर फीड किया था, और वो वेद जो के तो बाहर निकले थे। उसके बाद गीता जी के अंदर जो इसने ज्ञान दिया है ब्रह्म ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल ने जो ज्ञान दिया, उसमें अधिकतर वेदों वाला ही ज्ञान है जो गॉड गिवन है, परमात्मा ने इसको दिया था। उसने कुछ अपनी अटकल इसमें साथ जोड़ी है, तो वो हमारे काम की नहीं है। बहुत सी ऐसी गीता जी के अंदर बहुत सा दो तरफा ज्ञान है जो वेदों से मेल खाता है, गीता का ज्ञान वो ओके है, श्रेष्ठ है, और 90% गीता का ज्ञान वेदों से मेल खाता है। तो कहने का भाव ये है कि जो गुरु हैं वो आज तक ना वेदों को समझ सके, ना गीता को समझ सके हमारे जो धर्म गुरु थे, और न ही पवित्र इन पुराणों को समझ सके। तो इस कारण से परमात्मा स्वयं आते हैं और वो ही गुरु होते हैं, और जो गुरु हैं ही नहीं, नाम वैसे गुरु का उन्होंने रखा हुआ, और हमने बेशक उनको गुरु मान रखा है, वो गुरु नहीं थे। तो यहां परमात्मा ही आकर हमें ज्ञान बता रहे हैं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिर फिरते चारों खान, कबीर चार खानी में भरमते कबू ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखियो न जाए। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु अग अधीन। परमात्मा ने अध्यात्म मार्ग के अंदर प्रथम जो कड़ी है वो गुरु बताया है, और गुरु के बिना जो साधना करते हैं मनमुखी साधना करते हैं वो साधना नहीं है, उनका व्यर्थ प्रयत्न है। इसलिए गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं से पूछो वेद पुराण। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेव, कहें कबीर बैकुंठ से
वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेव, कहें कबीर बैकुंठ को चले गए सुखदेव। गुरु की महिमा बताते हुए परमात्मा कह रहे हैं कि सुखदेव नाम के ऋषि को गर्भ में ही, मां के गर्भ में ज्ञान हो गया था कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है, और हम बाहर आकर के अपने मूल उद्देश्य को भूलकर केवल सांसारिक जोड़ तोड़ में, इन कोठी बंगले के बनानों में ही अपना जीवन नष्ट करके और एक हारे हुए जुहारी की तरह हाथ मसलते हुए चले जाते। जब हम ये संसार छोड़कर चलते हैं तब हमें सब पता लग जाता है कि हमसे भारी भूल हुई है, हमने वो काम तो किया ही नहीं जो मनुष्य जीवन का करना था, ये तो पशु पक्षियों जैसे ही काम किए और उसी में सारा जीवन नष्ट करके और फूले फिरते रहे। फिर ये वहां जाके रोता है जीव धर्मराज के सामने खड़ा होकर के, जहां इसका न्याय किया जाता है, इसका हिसाब होता है, तो बहुत रोता है, बहुत पछताता है, इसको पश्चाताप करता है। फिर इसको सब बातें याद आती हैं कि जब तू मानव शरीर प्राप्त करके यहां से गया था कितना शुक्र मनाया था भगवान का, और क्या क्या प्रॉमिस किया था भगवान, भक्ति गणी करूंगा और पेट गुजारा तो आपने ही देना है दाता। तो उसमें उसको याद आती हैं वो बातें,